साल 2024 के बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के साथ बातचीत की। मोदी ने परीक्षा के नाम पर होने वाले तनाव को भगाने का मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों के सवालों के भी जवाब दिए। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में प्रमुख कार्यक्रम सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया। दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में सुभाष स्कूल की टीचर योगिता नायक और 11वीं की छात्रा वंशिता माहेश्वरी और कक्षा 11वीं के तीर्थ सोनी का सिलेक्शन हुआ है। ये तीनों अभी दिल्ली में हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ करीब 3000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट्स और 1 टीचर इस इवेंट में ऑनलाइन जुड़े हैं। कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान। इसके अलावा देश के 100 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बच्चे भी इवेंट में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करोड़ों बच्चे देखते हैं और सुनते हैं। इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। कार्यक्रम को 7 साल हो गए हैं। परिणाम देखने मिला है कि बच्चे और अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आया है और अब अभिभावकों की भी कोशिश रहती है कि बच्चों को परीक्षा और पढ़ाई का तनाव न हो। बच्चों को माता पिता और टीचर का अनुभव का लाभ मिल रहा है। माता पिता और शिक्षक ही बच्चों को सही सलाह दे सकते हैं। बच्चे कहते हैं आज चलना है पापा और लग रही मेरे को बहुत जरूरी काम है नहीं जा पाऊं मम्मी को ले जाओ। मम्मी ने कहा कि नहीं मैं भी बिजी हूं तो बच्चा अकेला जाता है। ऐसे समय पेरेंट्स अगर यहाँ आए तो कुछ जाना चाहिए, उससे बच्चों का भी थोड़ा मॉरल हाई होता है और पता भी चलता रहता है एक्टिविटीज क्या है बच्चों की। तो मैं जितना ज्यादा इन्वॉल्व स्कूल में बच्चों के साथ पेरेंट्स रहते हैं ना, उन बच्चों को उतना और आसानी रहती है काम करने में, अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई करने में। और बच्चे के बारे में पता चलता रहता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं पेरेंट्स से वो भी फुलफिल होती रहती है। तो आज जश्न का दिन है आप लोगों के लिए। मैं पहले सांसद था, 15 साल में संसद में रहा दिल्ली, उसके पहले भी एमएलए था बहुत अर्ली एज से। 94 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीता था मैं। 28-29 साल की एज थी मेरी। तब से मतलब एक बहुत यंग एज होती है तब से इलेक्शन लड़ रहा हूं। डर उस समय भी नहीं लगता था, परिणाम का डर आज भी नहीं लगता परिणाम का। क्यों मालूम? इसलिए क्यों नहीं लगता था डर? क्योंकि कमिटमेंट के साथ बहुत जो करना उसकी ईमानदारी से करो, जो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। जैसे ये स्कूल का कार्यक्रम था 10:30 यहां आना था, 1-2 मिनट आगे पीछे हम लोग आ गए। ये मेरा पब्लिक प्रोग्राम से यही स्थिति रहती। मैं दिन की शुरुआत पहला फंक्शन जो क्षेत्र में भी होता है ना, पहला प्रोग्राम 10:30 है, 10:30, 32:35 तक मैं वहां पहुंच जाता। शुरुआत में जब मैं जाता था 94-95 में, हम जाते थे तो पता लगा वहां टेंट लग रहा है अभी तो। उन्होंने कहा नेता तो 4-5 घंटे बाद में आते हैं, तो टेंट लगाना, मैं पहुंच जाता था टाइम पे। तो लोग कहते सर गांव में कहीं बैठना पड़ेगा आपको, अभी हमारी तैयारी चल रही। 1-2 महीने चला फिर लोगों की आदत में आ गया, उनको पता चल गया कि उनको समय पे चलने की बीमारी है, ये नहीं मानेंगे समय पे आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के साथ बातचीत की। मोदी ने परीक्षा के नाम पर होने वाले तनाव को भगाने का मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।